लिखने लिखाने के मामले में बात करते रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप सेटिंग। टाइप सेटिंग का मतलब ये कि कंपोजिंग, और मतलब आपने जब लिख लिया और उसके बाद अब उसको प्रिंटिंग के लिए आपको देना है, तो फिर एक और मरहला शुरू होता है जो टाइप सेटिंग कहलाता है। टाइप सेटिंग का मतलब ये कि कोई भी एक जो भी फिजिकल करेक्टर एक होता है, जो लकड़ी का भी होता था कभी, जो है वो मुख्तलिफ धात थे उनका भी होता था, उसके जो करेक्टर्स होते थे, जैसे ए है तो ए, बी है तो बी, इस तरह से करके वो बनाए जाते थे, तो उनको हम टाइप सेटिंग कहते थे। अब टाइप सेटिंग दरअसल एक बहुत ही एक लंबा सिलसिला है जिसमें इन तमाम एक एक करेक्टर को जोड़ करके पूरा टेक्स्ट बनाया जाता था। और उसके लिए शुरू के ज़माने में तो लकड़ी के बने हुए थे, और उन लकड़ी के बने हुए जैसे पूरा जुमला होता है, पूरा लफ्ज़ होता है, ऐसे लिखा। उसके बाद जो आगे चल करके जो है वो एक ये जो शीशा होता है, लीट, शीओ जेंगे पान सिंधी भी चल, उससे जो उन्होंने ये अपने हरूफ बनाए, और उन हरूफ को जो है तरतीब दे करके उन्होंने एक पूरा इसका प्रिंटिंग का मामला जो है वो बनाया। खासा ये पेचीदा है, उसको हम एक तरह से जो है वो हम देख सकते हैं कि आपको मैं अभी मैं एक भी उसकी दिखाता हूँ पिक्चर्स भी। इसमें ये जहन में रखें कि टाइप सेटिंग में जो है वो फॉन्ट और टाइप सेटिंग, ये तो फर्क है। फॉन्ट का मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं एरियल, एरियल फॉन्ट है, ठीक है, या टाइम्स जो है ये फॉन्ट है, इसी तरह से और बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, तो उन फॉन्ट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कंपोजिंग का मामला किस तरह से हो। अब ये जो होते थे ये कुछ इस तरह से होते थे। अब देख रहे हैं आप, इसमें नजर आ रहा है, इसमें एक एक लफ्ज जो है वो अलग अलग है। ये पूरा मतलब उसमें अगर आपको हैंड लिखना है तो ये एच अलग होगा, और एच कैपिटल है, ए जो है ये स्मॉल है, ये अलग होगा, डी स्मॉल ये अलग होगा, एन अलग होगा, उसके बाद आप स्पेस देंगे, स्पेस के बाद जो ओ आर आर लिखेंगे, फिर मैनुअल का एम बड़ा ढूंढेंगे, तो ये टाइप सेटिंग है। ये टाइप सेटिंग जो है ये एक इस तरह की, जैसे इसके हाथ में स्टिक है, इसको स्टिक बोलते हैं, इसके अंदर वो एक एक हर्फ जो है वो निकाल करके डालता था। हर्फ का मतलब ये कि जैसे हैंड का एच अलग से हर्फ है, हैंड खुद पूरा वो लफ्ज, हैंड जो है वो लफ्ज है, ये हर्फ नहीं है, तो ये अलग करके उसको बनाते थे। उसकी स्टिक जो है कुछ इस तरह की शक्ल की होती थी, तो इसमें एक एक लफ्ज मतलब ये, तो इसमें जो है ये एक एक करके इसमें डालते थे। उसके बाद जो है तो ये जो सिलसिला होता था तब लेटर प्रेस होती थी, और उसके हर सफ़े के लिए जो है इसको मूवेबल टाइप कहा जाता था। मूवेबल टाइप का मतलब ये कि आपने एक जो है वो अलग पड़े हुए जो थे हरूफ पड़े हुए थे वो आपने निकाले, उसको आपने जोड़ा, पूरा एक लफ्ज जोड़ा, पूरी एक लाइन जोड़ी, उसके बाद पूरा पैरा जोड़ा, उसके बाद पूरा पेज जिस भी साइज में आप ले रहे हैं वो जोड़ा, उसको जो है आप बाद में जब आपने उससे वो प्रिंट कर लिया तो फिर उसको एक एक लफ्ज को वापस अपने खानों में डाल देते ताकि दोबारा उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो ये मूवेबल जो टाइप है ये कहलाता था। अच्छा, इसमें दो तीन प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम एक तो ये होती थी कि हम अंग्रेज सिंधी और उर्दू में तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है कि पहला जो वर्ड है या जो नाउन होता है वो कैपिटल होता है, तो कैपिटल अंग्रेजी के वैसे तो 26 जो है वो अल्फाबेट के करेक्टर हैं, लेकिन उसमें अगर आप मिला लोगे जिसको हम कैपिटल कहते हैं, उसको इस इनकी जुबान में जो कहा जाता है अपर केस, और जो छोटे अल्फाज हैं उनको कहा जाता है लोअर केस। लोअर केस अलग होता था, अपर केस अलग होता था, यानी अगर आपको आपका नाम लिखना है तो नाम का पहला जो हरूफ है, पहला जो करेक्टर है वो कैपिटल वाले उस केस से लिया, फिर जो बाकी आपके उसमें जो स्पेलिंग में जो करेक्टर आते हैं वो आपने उसको लोअर केस से लिया, तो ये खासा एक मुश्किल काम होता था। दूसरी चीज ये भी होती थी कि फॉन्ट का जो साइज है, मतलब 12 है, 17 है, 18 है, 20 है, उसके लिए अलग केस रखने पड़ते थे। फिर टाइप का जो फेस है, फेस का मतलब ये कि जैसे मैं बता रहा था टाइम्स फेस है, इसी तरह से एरियल फेस है, इसी तरह से कोरियर फेस है, तो ये फेस है, तो इनके फेस भी अलग होते थे। मतलब आपको किसी अगर एक
हम टाइम को ही ले लें तो टाइम का एक फेस है, तो उसका जो साइज है 12 14 या 16 18 20 जहां तक भी हम ले जाएं, वो उसको जितने ही केस रखने पड़ते थे, फिर उनके अपर लोअर के भी केस रखने पड़ते थे। लाइकवाइज उसको अगर इटैलिक करना है तो इटैलिक का अलग केस होता था, अगर किसी लफ्ज को बोल्ड करना है तो उसको तो बोल्ड जो है उसके लिए भी अलग केस होता था। अभी तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा और उसको सिलेक्ट करके वहां से हमने कमांड दे दी कि उसका फॉन्ट तब्दील कर दो और फॉन्ट साइज तब्दील कर दो या फॉन्ट का जो किस्म है वो तब्दील कर दो, या हमने ये कहा कि भाई इसको जो बोल्ड कर दो या इसको इटैलिक कर दो, तो ये सब जो है वो मामले जो है वो ये आसानी से हो सकते हैं। उस जमाने में इतनी आसानी से नहीं होते। उर्दू के जो अल्फाबेट है वो 32 है, 32 करेक्टर है, और सिंधी के अल्फाबेट के जो है वो 52 करेक्टर से। अच्छा, इसमें ऊपर वाली जो अंग्रेजी की जो मैंने आपको बताया कि उसके फॉन्ट का किस्म, फिर जो है उसके जो भी साइज है वो, फिर उसको आप इटैलिक के उस फॉर्म में करते हैं या दूसरे किसी में करते हैं, वो एक अलग, तो वो एक अलग होता था। लेकिन सिंधी और उर्दू में और मसला होता था, इसलिए कि सिंधी और उर्दू में मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह से सूरताल बनती थी। कि अब इसमें इनको जो ये नथा इसमें ये नून शुरू अलग होता था, ठीक है, और ये जो वेंदुस में नून है ये नून दरमियाना कहलाता है, ये बीच वाला अलग होता था, और ये नून आखर जो खान का ये अलग होता था। यानी हर करेक्टर के जो है वो तीन फॉर्म होते, एक शुरू का, एक बीच का, एक आखर का। तो इसका मतलब ये कि सिंधी केस में जो है उसको समझ लें कि आप उसको 52 को 3 से धर्म दे दो तो हो जाएंगे कितने, 6 156। तो यूं समझ लो कि इतने ही केस में अंदर उसको इतने खाने उसको रखने पड़ते थे तब वो बनता था। अच्छा, उर्दू में तो इसमें जैसे खान है तो उर्दू में एक नून गुना भी आप देते हैं, तो नून गुना के लिए उसको एक अलग करेक्टर होता था। तो इस तरह से सिंधी के उर्दू के बहुत सारे जो है वो एक रहे हैं मामले जात इसमें कंपोजिंग के हवाले से। इस वजह से क्या किया कि लोगों ने इसको प्रिफर किया कि किताबत करें, किताबत करें। तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैं मिसाल बता रहा था नथा वेंदुस खान, इसी तरह से उर्दू का भी कोई आप लफ्ज ले सकते हो। ये शुरू का करेक्टर है, ये नून जो बीच का है, ये नून जो आखिर का है। तो ये करेक्टर उर्दू सिंधी कंपोजिंग में मसला कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने ये किया कि भाई हम जो है वो इसको किताबत में करें। राइट हैंड पर आप देखें ये सिंधी की कंपोजिंग है जो किताबत, बल्कि ये शाह जो रिसालो जो है उसका अक्स है, ये हाथ से लिखा गया है। अच्छा, इसी तरह से आप ये देखें, शुरू के ज़माने में हर जुबान में मजहबी किताबें ज़्यादा आई हैं, तो ये मजहबी किताब है, कोई कोई शायरी की है क्या है, ये कोई मजहबी और कोई किताब है उसका, ये सिंधी है वैसे। इसी तरह आप आगे आए, ये इनकलाब अखबार है कि निकलता था, इसका कोई है, ये 1936 का शुमारा है, और ये उर्दू की एक किताब है उसका है, ये उन्होंने हाथ से लिखा हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंगली ये जंग का जो पेज है, ये जो पोर्शन है, ये 1965 का है, यानी जंग जो है वो 70s या लेट 60s में उसने अपने टाइप सेटिंग कह लें या कंपोजिंग कह लें या किताबत के जरिए कह लें वो जो है वो तब्दील की, नहीं तो ये सब जो वो हाथ पर लोग एक एक लफ्ज करके लिखते थे। जैसे ये किसी भी एक कातिब को एक खबर दे दी, दूसरे को दूसरी दे दी, हेडलाइन लिखने वाला दूसरा होता था, तो ये पूरा एक सिलसिला रहा। तो सिंधी और उर्दू में बहुत बड़े एक जमाने तक जो है ये मामला रहा कि उनकी जो कापी जो प्रेस के लिए तैयार की जाती थी वो टाइम वो इस तरह से किताबत में या उस तरीके से होती थी। ये तो आप अगर किताब ये अखबारात उठा के देखें तो 80s तक, बल्कि 90s तक जो है ये होता था कि सिंधी में भी तमाम जो मेजर हेडलाइन होती थी वो किताबत होती थी, और बाकी हेडलाइन जो है वो कंपोज किए हुए अल्फाज में से होती थी, फिर जो है वो उनको चरबे पर निकाल करके वो पूरा डाला जाता था और वो अखबार उसी तरह से शाया होता था। कंप्यूटर जब ईजाद हुआ तो फिर जो है वो ये जो टाइप सेट है इसमें थोड़ा सा
एक तब्दीली आई, लेकिन उस तब्दीली से पहले एक और बीच में तब्दीली आई, वो है हॉट मेटल। हॉट मेटल का मतलब ये कि गर्म धात की टाइप सेटिंग, उसमें ये जो शीशा है जिसको हम लीड कहते हैं, जैसे पास सिंधी में शीओ चौदा आयु, वो एक जगह पर उनको गर्म हो रहा होता था, नीचे से उनको इस पर जैसे टाइप राइटर है इस पर जो है वो टाइप करता जाता था, आगे उसके वो खाने बने हुए होते थे कि ए को उसने किया तो ए को उसने मार किया, उसके बाद जो है वो वही शीशा जो है वो वहां पर ए बन गया, और फिर आगे जो जैसे भी टाइप करता गया तो उसके साथ वो चीजें बनती गई और पूरा लफ्ज बना, फिर जुमला बना, फिर पैरा बना, फिर पूरा जो भी एक आर्टिकल है या खबर है वो मुकम्मल हुई। तो ये जा करके इन्होंने एक पूरा बनाया। और ये हार्ट मेटल भी एक खासे अरसे तक रहा, लेकिन ये इन्होंने इस वजह से बनाया था कि वो जो लेते थे लेटर प्रेस वाले जो हम टाइप सेटिंग कह रहे थे, उस सेटिंग में जितनी मरतबा उस पर दबाव वो छापने के लिए डालते थे तो उसका जो है उस पर दबाव पड़ता था, उसके नतीजे में उसकी जो है उसकी टाइप जो है वो खराब हो जाती थी। तो ये था कि अभी इन्होंने वो पूरा जब एक अखबार या किताब बनाया छाप दी, उसके बाद वापस इसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसमें वापस उसी धात में अल्फा सब उसमें पिघला दिए, और दोबारा जब उस पर टाइप करने लगे तो दोबारा नए सिरे से उन्होंने अल्फाज जोड़े। यूँ समझ लो कि रोज वो नए अल्फाज नए हरूफ जो है वो बनाते थे उसी से टाइप के जरिए, और उसमें थोड़े से मैकेनिकल और थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल अंदाज से चीज़ों को करते थे। इसके बाद जो एक आया लाइनो टाइप का दौर, लाइनो टाइप का जो दौर है इसमें यह था कि हार्ट मेटल के पहले पीरियड में तो एक एक लफ्ज किया जाता था, इसमें जो है वो पूरी लाइन एक जो होती थी वो बनाई जाती थी कीबोर्ड पर कंपोज करके, तो आगे भी जो लाइन उसकी बन जाती। डिजिटल दौर में जो शुरू में जो मामला आया वो एक तरह से हरूफ जो है वो उस पर बजाय इस पर करने के उसकी फोटो, जैसे फिल्म की फोटो निकलती है या जैसे एक्सरे होता था, अब तो एक्सरे भी शायद उस पर दे रहे हैं, कागज पर दे रहे हैं, लेकिन एक्सरे पुराने आप देखोगे तो इस तरह की एक फिल्म टाइप की होती थी, या पुराने जो तस्वीरों के नेगेटिव होते थे इस तरह से वो उस पर बना लेता था, कंप्यूटर उस पर अक्स दे देता था, उस अक्स के जरिए जो है वो प्लेट बन जाती थी। अभी मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है आज के दौर में, आज के दौर में हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, और कंप्यूटर में जो है हम कोई भी करेक्टर और एक ही जगह पर जो मुख्तलिफ फॉन्टें यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म यूज कर सकते हैं, उसके साइज यूज कर सकते हैं, और जो गलती जो है उसको हम बहुत इजीली उसको करेक्ट कर। ये एक मुख्तसर सी है, इसमें आप अगर कोई बात पूछना चाहें